भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है, कांग्रेस की इमेज में बहुत परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक ये लगने लगा था कि क्या कांग्रेस खत्म होती चली जा रही है, क्या कांग्रेस में अब उसके बड़े बड़े नेता भी नहीं बचे हैं। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने जब कांग्रेस का दामन छोड़ा था, तब तो ये तय माना जा रहा था कि अब कांग्रेस का नाम लेवा भी नहीं बचेगा। लेकिन अब समय बहुत बदलता जा रहा है और बड़ी तेजी से। इसकी बहुत बड़ी वजह दिखाई देती है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी की इमेज में जबरदस्त परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि 2024 को लेकर कांग्रेस को लेकर लोगों की जो सोच बन रही थी वो पूरी तरह से बदल चुकी है। कांग्रेस और राहुल गांधी अब पुरजोर तरीके से बीजेपी के खिलाफ एक ताकत बनते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि जिन चुनावों में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बीजेपी का सामना भी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वहां पर वो टक्कर में आती दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए हिमाचल का चुनाव है या फिर गुजरात का चुनाव है, और इन दोनों चुनावों को बीजेपी भी हल्के में नहीं ले रही है। भारत जोड़ो यात्रा का एक जबरदस्त असर तब देखने को मिला जब गुलाम नबी आजाद के सुर भी बदलते दिखाई दिए, और यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि गुलाम नबी आजाद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी में राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे कमेंट किए थे, उनकी नेतृत्व क्षमता पर काफी सारे सवाल खड़े किए थे। लेकिन अचानक से गुलाम नबी आजाद के बदले सुरों के बाद यह कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर उन कांग्रेस नेताओं पर भी हो रहा है जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। अब क्या उन्हें यह लग रहा है कि कांग्रेस को छोड़कर जल्दबाजी कर दी है, या फिर उन्होंने कांग्रेस की ताकत को कम आंक लिया, या राहुल गांधी की ताकत को कम आंक लिया? ये कुछ सवाल हैं। आप समझिए कि ये बात क्यों कही जा रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केवल कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी केवल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से दशकों पुराना नाता तोड़ने के महीनों बाद आजाद ने कहा कि वो इसकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इसके कमजोर सिस्टम के खिलाफ थे। श्रीनगर में एएनआई से बात करते हुए आजाद ने कहा, हालांकि मैं कांग्रेस से अलग हो चुका हूं, मैं उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं था, यह केवल पार्टी की व्यवस्था के कमजोर होने के कारण था। शब्द पर गौर करिए। मैं अभी भी चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। आम आदमी पार्टी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। एक वक्त यह कहा जाने लगा था कि गुलाम नबी आजाद ने जो कुछ किया है वो बीजेपी के कहने पर किया है, प्रधानमंत्री मोदी की उनकी तारीफ या उन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वक्तव्य दिया, इन सारी चीजों को इस बात से जोड़कर देखा जा रहा था कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के पीछे बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन दिखाई देता है। लेकिन अब उनके इस बयान ने सबको चौंका दिया है। कश्मीर की राजनीति वो करना चाहते हैं, कांग्रेस में भी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। बहुत मुमकिन है कि यदि वो कांग्रेस में रहते तो अध्यक्ष पद की दौड़ में भी दिखाई देते, खासतौर पर तब जब अशोक गहलोत दौड़ से बाहर हो गए थे और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे एकमात्र चेहरा बचे थे, और इस चुनाव को लोकतांत्रिक शक्ल देने के लिए शशि थरूर भी सामने दिखाई दिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का वो कोई मुकाबला नहीं कर पाए थे। गुलाम नबी आजाद वो चेहरा हो सकते थे जो बहुत ही मजबूती के साथ में अपने कैंडिडेचर को कम से कम रख सकते थे। अब जब गुलाम नबी आजाद अलग हो गए, ये खबरें आई कि बहुत सारे नेता कश्मीर के उनके साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीर में उनकी राजनीति एक अलग लेवल की है, वो वहां मजबूत नेता हो सकते हैं, इस सब के बीच में गुलाम नबी आजाद ने पूरी तरह से कांग्रेस से किनारा कर लिया था। लेकिन अचानक से गुजरात और हिमाचल के चुनाव पर उनकी ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये इसलिए भी है क्योंकि इस यात्रा का समापन श्रीनगर में होना है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के समापन होते होते गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में वापस आ जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन गुलाम नबी आजाद ये नहीं कह रहे हैं कि गुजरात में और हिमाचल में बीजेपी जीत रही है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को टक्कर कांग्रेस ही दे सकती है, और मैं उसकी धर्मनिरपेक्षता को पहले भी पसंद करता था, अभी भी पसंद करता हूं। मैं नेतृत्व या इंटरनल मशीनरी से बहुत खुश नहीं था, यानी जो नेतृत्व चल रहा था उससे बहुत खुश नहीं था। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के आते ही, राहुल गांधी की इमेज बदलते ही गुलाम नबी आजाद का मन भी बदल गया है? अब ये उन्होंने बेशक आम आदमी पार्टी के ऊपर कमेंट करते हुए पूरा बयान रखा, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ये करने में सक्षम नहीं है कि बीजेपी को टक्कर दे पाए और धर्मनिरपेक्षता जो कांग्रेस के पास है उसको साथ में ले पाए। उनका बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम मतदाता गुजरात के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। क्या मुस्लिम मतदाताओं के लिए कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर उभरेगी? और आपको याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के कई नेता इस बारे में टिप्पणी कर चुके हैं कि जिस तरह का हिंदुत्व का एजेंडा या कार्ड अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में खेल दिया, वो उन पर भारी पड़ जाएगा क्योंकि
कांग्रेस का कोर वोटर उसके साथ आ सकता है। हालांकि सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बीजेपी कभी इसकी चिंता नहीं करती है, क्योंकि जैसे जैसे वोटों का पोलराइजेशन होता है, हिंदू वोट सारे उनके साथ में आ जाते हैं, बीजेपी के साथ में आ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि पार्टी हिंदू मुस्लिम किसानों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इन राज्यों में कुछ नहीं कर सकती, वो पंजाब में विफल हो गए हैं और पंजाब के लोग उन्हें दोबारा वोट नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए आजाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की एक पार्टी भर है, वो पंजाब को कुशलता से नहीं चला सकते। केवल कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा को चुनौती दे सकती है, क्योंकि उसकी एक समावेशी नीति है। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है, इस पर गौर करिए। गुलाम नबी आजाद अभी तक शांत थे, कांग्रेस के पक्ष में कुछ बोलना तो बहुत दूर की बात लग रही थी, लेकिन अब वो कांग्रेस के प्रति एक सहानुभूति और एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। गुजरात में दो चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। गुजरात में बीजेपी लगातार 6 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए अधिक समय देने के लिए शीघ्र फैसला लेने के इच्छुक है और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो अपने चुनाव अभियान को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मजबूती तो मिली है, भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी की इमेज को एकदम से बदल कर रख दिया है, लेकिन क्या ये वोटों में परिवर्तित होगा? इसकी अग्नि परीक्षा हिमाचल और गुजरात है। इन दोनों चुनाव में से किसी भी चुनाव में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इसका महत्व तो इसलिए भी है क्योंकि आगामी सालों में या कुछ ही दिन में कर्नाटक में चुनाव होने, राजस्थान में चुनाव होने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, और सबसे बड़ी बात 2024 का चुनाव भी कोई दूर नहीं है। कांग्रेस अपनी ताल ठोकती दिखाई दे सकती है, विपक्ष के केंद्र में दिखाई दे सकती है, राहुल गांधी एक बार फिर चेहरा बन सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इन दो चुनाव के परिणामों से हो सकती है, और भारत जोड़ो यात्रा को अभी समय है, मतलब अगले साल की शुरुआत में ये श्रीनगर में खत्म होगी, तब तक कांग्रेस और राहुल गांधी में कितना परिवर्तन आता है, उनकी इमेज में, उनको लेकर जो परसेप्शन लोगों के मन में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या इसी तरह के प्रयास को आगे बढ़ाया जाएगा? यह बहुत मुमकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे, और देखिए आप इंपैक्ट अलग अलग जगह पे। राहुल की इमेज को लेकर बहुत परिवर्तन आया, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि उनकी ट्रोलिंग जो है होने के बजाय उनके खिलाफ बोलने वालों की ट्रोलिंग ज्यादा हो रही है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा शिफ्ट है। गुलाम नबी आजाद का यह बयान भी इसी तरह अहम माना जा रहा है। पिछले चुनाव के विपरीत इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में, गुजरात में और हिमाचल में दोनों जगह पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी ताकत से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस जहां जहां कमजोर होगी वहां आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, लेकिन क्या कांग्रेस मजबूत हो रही है तब आम आदमी पार्टी को कोई फायदा मिलेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के केंद्र के विचार को लेकर संकेत देने पर भी गुलाम नबी आजाद ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है और अगर केंद्र सरकार ऐसा करेगी तो यह स्वागत योग्य कदम होगा। गुलाम नबी आजाद डोडा के दौरे पर हैं, वो यहां आने वाले दिनों में कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे, कई रैलियों को संबोधित करेंगे। और यह भी बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के साथ 52 साल पुराना अपना नाता तोड़ा था। अक्टूबर में आजाद ने अपने नए राजनीतिक संगठन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की घोषणा कर दी थी। सोनिया गांधी को लिखे अपने इस्तीफे में उन्होंने पिछले 9 वर्षों में कांग्रेस को चलाने के तरीके को लेकर, पार्टी के नेतृत्व को लेकर, खासतौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। 5 पन्नों के कड़े पत्र में आजाद ने दावा किया था कि एक मंडली पार्टी चलाती है, जबकि सोनिया गांधी सिर्फ नाम मात्र की प्रमुख है। सभी बड़े फैसले राहुल गांधी या उनके सुरक्षा गार्ड और पीए द्वारा लिए गए। बहुत कड़ी कड़ी बातें उन्होंने उस समय पर लिख दी थी। अब बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली बोली, ये वापस नहीं ली जा सकती है। आजाद को जो कहना था कह चुके हैं, लेकिन देखिए ये राजनीतिक दलों में हमेशा से देखा गया है कि नेता नाराज होते हैं, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, संगठन बनाते हैं, फिर वापसी हो जाती है। गुलाम नबी आजाद की वापसी कश्मीर में, आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं, तो कश्मीर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दूसरा ये है कि गुलाम नबी आजाद निश्चित तौर पर एक मुस्लिम चेहरा है ही, कांग्रेस का पुराने नेता है, तो उनका कुछ फायदा मिल सकता है अगर कांग्रेस में वो वापसी करते हैं। एक बड़ा मैसेज, क्योंकि जाने के बाद में ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी टूट रही है, इतने पुराने लोग जो हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं, तो आने के बाद निश्चित तौर पर ये नैरेटिव पूरी तरह से टूट जाएगा कि लोग छोड़ कर जा रहे हैं। आज़ाद इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता तक रह चुके हैं, इसलिए उनका कद भी बहुत बड़ा था। कांग्रेस के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए आज़ाद ने कहा था कि पार्टी की स्थिति कोई वापसी नहीं के बिंदु पर पहुँच गई, कोई वापसी नहीं है, इस बात को याद रखिए। कांग्रेस की स्थिति यह हो गई कि वापसी नहीं हो पाएगी। आजाद ने पत्र में सोनिया गांधी पर कटाक्ष भी किया था। उनका सबसे तेज हमला राहुल गांधी पर था। उन्होंने वायनाड के सांसद राहुल को गैर गंभीर और अपरिपक्व व्यक्ति कहा था।
लेकिन वायनाड के यही सांसद राहुल गांधी अचानक से सभी लोगों को गंभीर और परिपक्व दिखाई देने लगे। उनके बयान, मोरबी ब्रिज हादसा हुआ उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्टता कह दिया कि मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूंगा, ये उन लोगों का अपमान होगा जिन्होंने अपने परिजनों को इस दुखद हादसे में खोया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान माना गया एक ऐसे समय पर जब 6 साल पुराना प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो वायरल कर दिया गया जिसमें पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान एक पुल टूटने की घटना के बाद में बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इसको लेकर तमाम जगह पर सोशल मीडिया पर यह कमेंट होने लगा कि राहुल गांधी की परिपक्वता देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया जब वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आम लोगों के बीच, बच्चों के बीच, बुजुर्गों के बीच जाते हैं, तो इससे राहुल के व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या इस परिवर्तन का बहुत बड़ा इफेक्ट उन लोगों पर भी पड़ रहा है जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है? और इनमें सबसे बड़ा नाम गुलाम नबी आज़ाद का है। क्या गुलाम नबी आज़ाद को अब लग रहा है कि वो अपरिपक्वता चली गई है, वो गैर गंभीरता चली गई है और कांग्रेस की अब वापसी नहीं हो सकती के बिंदु से वापसी हो सकती है के बिंदु पर कांग्रेस आ गई है? कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो खुद अपनी चिट्ठी में गुलाम नबी आज़ाद ने खड़े किए थे। और उनका ये बयान कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस है, मैं आज भी कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की नीति को पसंद करता हूँ या मानता हूँ। और ये सारी बातें कहते हुए वो ये भी कहते कि मैंने छोड़ा इसलिए था क्योंकि मैं जो अंदर आंतरिक राजनीति थी या पार्टी को चलाने का तरीका था उससे संतुष्ट नहीं था। तो ये था शब्द से क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि अगर अब फिर एक मौका मिलता है या फिर खुद इनिशिएटिव लेंगे, गुलाम नबी आजाद को ये लगता है कि कांग्रेस के साथ में रहकर और बदली हुई कांग्रेस जो दिखाई दे रही है यात्रा के बाद में उसके साथ जुड़कर उनका भला ज्यादा हो सकता है या उनकी राजनीति ज्यादा माकूल कांग्रेस के साथ दिखाई देती है। हालांकि आने वाले दिनों में पता लगेगा, बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं होते, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अगर फैसला लिया था कांग्रेस छोड़ने का तो बहुत लंबे मंथन के बाद लिया होगा। अब देखना होगा उनकी वापसी को लेकर आलाकमान क्या सोचते हैं। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, इनमें से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। गुलाम नबी आजाद जैसा चेहरा अगर वापस कांग्रेस में आता है तो ये लोग खुश होंगे, लेकिन खुद गुलाम नबी आजाद क्या सोच रहे हैं, क्या वो अपने फ्रंट के साथ में कांग्रेस या बीजेपी किसी के सपोर्ट के साथ में राजनीति करना चाहते हैं या फिर दोबारा कांग्रेस में आएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। 2014 का चुनाव और उसके पहले का माहौल ये बहुत ही अहम है और भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव को लेकर आया था। आपको यूपीए 2 के कार्यकाल के अंतिम दौर को समझना चाहिए। उस समय पर एक के बाद एक बड़े जन आंदोलन हुए, अन्ना हजारे का आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, खासतौर पर अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसका बड़ा असर हुआ। एक राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के तौर पर निकल कर आया, लेकिन इससे बहुत बड़ा झटका लगा कांग्रेस को। कांग्रेस के खिलाफ इतना माहौल बना कि न सिर्फ बीजेपी सत्ता में आई बल्कि एक नैरेटिव सेट हो गया कांग्रेस के खिलाफ, और इस आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा था। इसी योगदान में कई चेहरे अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे, अब सब अलग अलग छिटके दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी अलग राजनीति है, वो अन्ना हजारे के साथ नहीं दिखाई देते हैं। एक और ऐसा ही चेहरा है प्रशांत भूषण का। प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, राजनीति में भी वो अपने हाथ आजमाते रहे हैं, लेकिन वो किसी अभी राजनीतिक दल के साथ खुलकर नहीं दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल, प्रशांत भूषण ने राहुल गांधी के पैदल मार्च में शामिल होकर भारत जोड़ो यात्रा को खुलकर अपना समर्थन दे दिया है। राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी कांग्रेस नेता के साथ दिखाई दिए हैं। केजरीवाल के पूर्व सहयोगी रहे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, ये दोनों जो हैं जब इस यात्रा में शामिल हुए हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसमें ये दोनों महत्वपूर्ण चेहरे थे, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। ये दोनों चेहरे कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते दिखाई दिए थे, अब ये राहुल के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आंदोलन के दो महत्वपूर्ण चेहरे, और बाकी के चेहरे तो आप देखते हैं कि अलग अलग छिटक चुके हैं। किरण बेदी बीजेपी के साथ चली गई थी, बाद में राज्यपाल बनी, कुमार विश्वास अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने राजनीति, ये 4-6 चेहरे आपको मंच पर दिखाई देते थे। इनमें से दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, ये अरविंद केजरीवाल के साथ ही थे लेकिन पटरी नहीं बैठ पाई। योगेंद्र यादव अपना संगठन बनाकर, अपनी पार्टी बनाकर काम कर रहे, प्रशांत भूषण की भी यही स्थिति रही, अब ये कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण,
भूषण और योगेंद्र यादव शामिल हुए। इनका एक वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी प्रशांत भूषण का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान राहुल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम भी है। इस यात्रा में शामिल होने के बाद प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा, आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा बनाए जा रहे नफरत के माहौल को सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता है। उम्मीद है कि ये बेरोजगारी, कीमतों, भाई भतीजावाद आदि की वास्तविक समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करेगी ये यात्रा। प्रशांत भूषण देश के दिग्गज वकीलों में से एक हैं। वो तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं, भाजपा और मोदी सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात को रखा है हाल के दिनों में, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी तक स्पष्ट नहीं किया था कि उनका झुकाव किसकी तरफ है। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अप्रैल 2015 में कड़ा कदम उठाया था। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों और घोर अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। देश के दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जुटी हैं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दो राज्यों का दौरा करने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं। उनका पूरा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा पर है। कांग्रेस की विचारधाराओं से मेल खाने वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान के माध्यम से सभी विपक्षी दलों का एक बड़ा मंच बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए मंच तैयार कर रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में देश के अलग अलग राज्यों की प्रमुख विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस की विचारधाराओं से मेल खाती है, वो सभी कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होंगी। कांग्रेस की ओर से पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। योजना के मुताबिक जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजनीतिक दलों से मिलकर उन्हें यात्रा में शामिल होने का न्योता देते रहेंगे। राहुल गांधी ने लोगों को एकजुट करने और भाजपा और आरएसएस द्वारा फैलाई जा रही नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़े होने के लिए इस यात्रा को शुरू किया, ऐसा कांग्रेस का कहना है। ये कांग्रेस हमेशा स्टेटमेंट देती रही है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, और इस यात्रा में अभी प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव का जुड़ना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये वही टीम अन्ना है जिनकी वजह से एक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बना था। ये जो भ्रष्टाचार का माहौल दिखता है कांग्रेस में, जो लगातार 10 वर्षों में गिरावट दर्ज की गई, 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव, बहुत तेज़ी से कांग्रेस जो है वो कमज़ोर हुई। बीजेपी जितनी तेज़ी से मजबूत हुई है, उसमें साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस कितनी तेज़ी से कमज़ोर हुई है। तो इसमें ये नरेटिव भ्रष्टाचार वाला, कांग्रेस के वंशवाद वाला, ये सारा जो है कहीं ना कहीं इन आंदोलनों से शुरू हुआ था। इस आंदोलन की ताकत को समझिए। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ महज 10 सालों में अपने राजनीतिक दल को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि दो दो राज्यों में अब वो अपनी सरकार चला रहे हैं, और बाकी दो महत्वपूर्ण राज्यों में अगले विधानसभा चुनाव में वो ये नैरेटिव सेट कर पाए हैं कि बीजेपी के और कांग्रेस के खिलाफ वो भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। इसी आंदोलन से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी निकले थे। वो अरविंद केजरीवाल की रणनीतियों को जानते हैं, हालांकि पहले ही पटरी नहीं बैठ पाई थी, तभी काफ़ी मतभेद हो गए थे पार्टी में अधिकारों को लेकर, और ऐसा सिर्फ अकेला इनका मसला नहीं है। तमाम जितने भी सहयोगी थे अरविंद केजरीवाल के, सिवाय मनीष सिसोदिया के, अब देखें जो बहुत उस समय प्रोमिनेंट चेहरे अन्ना आंदोलन के दिखाई देते थे, और कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। बाकी मंत्री या पदाधिकारी ये सब बनते चले गए, लेकिन ये वो चेहरे थे जो मंच पर बहुत ही एकजुटता के साथ में अरविंद केजरीवाल के साथ दिखते थे। ये सब छिटक गए, और अन्ना आंदोलन के ये दो महत्वपूर्ण चेहरे अब राहुल गांधी के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा भारत जोड़ो यात्रा क्या रिवर्स कर पाएगी उस चीज़ को, जो 2014 में जो कुछ हुआ था उसमें कोई बड़ा बदलाव आ पाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।